संगम शरणं गच्छामि। अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है लेटर मोस्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन लोनली वाई लव्स हिज स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस, वाई हैज टू चेंज टू वाई हैज टू एस्केप शो दैट ही सो ही शुड चूज जस्ट वन लोअर केस लेटर सी एंड कैरी ऑल लेटर्स इन एस विच इज इक्वल टू सी विद हिमसेल्फ। इसमें बेसिकली हमें क्या बोला है कि हमारे पास जो एक स्ट्रिंग गिवन होगी उसमें से उसे कोई एक कैरेक्टर चूज करना है, और वो जो एक कैरेक्टर चूज करेगा उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें जितने भी मतलब उसके अक्रेंसेज है ना वो मैक्सिमम होने चाहिए। कि ये बताना है हमें कि वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब बेसिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स वाई कैन कैरी विद हिमसेल्फ। तो अब देख सकते हैं हम कि हमें जैसे इनपुट टेस्ट केसेस में गिवन है कि हमारे पास ना ये एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, हमें जितने भी कैरेक्टर्स इसमें से दे रखे हैं हमें ये बताना है कि उसे कोई एक ऐसा कैरेक्टर सी चूज करना है कि जिसको मतलब जिसकी सारी अक्रेंसेस को वो अपने साथ ले जा सके। मतलब अगर हम देखें इस में से तो सबसे ज्यादा बार कौन सा कैरेक्टर अकर हो रहा है, आर अकर हो रहा है ना, आर दो बार हो रहा है, बाकी सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में। तो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि आर दो बार अकर हो रहा है तो वो आर को चूज करेगा, तो वो कितने कैरेक्टर्स अपने साथ ले जा सकता है, जितनी आर की अक्रेंसेज है ना, तो वो दो कैरेक्टर्स को अपने साथ ले जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आंसर टू है। तो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को मतलब या ये कह सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ना कंडीशंस क्या गिवन है सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में जैसे मान लो अगर एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये बताना है कि जो उस स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की क्या करनी है, कैरेक्टर की जो अक्रेंसेज होंगी ना उनको काउंट करना है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की जो अक्रेंसेज होंगी उनको काउंट करना है, और फिर उस कैरेक्टर की अक्रेंसेज में से जो कैरेक्टर जो है मैक्सिमम बार जिसकी अक्रेंसेज हो रही होंगी उसको हमें आउटपुट करना है बेसिकली। जैसे हम अगर देखें हमें जैसे ये गिवन था, है ना, ये गिवन था हमें, तो हमें ये पता है कि ये जो आ रही है दो बार अकर हो रहा है ना, तो हमने ये काउंट कर लिया कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर हैं वो कितनी बार अकर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, लेकिन यहाँ टू हो गया आर और यहाँ पे वन है, ठीक है। तो अब अगर हम इससे एक एरे बना लें जो कि क्या करेगा, जो कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना उन सबका काउंट स्टोर करेगा, तो हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हम उस काउंट को स्टोर करवाने के बाद ये देख लें कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स मतलब जिनकी भी फ्रिक्वेंसी आ रही है हर एक की फ्रिक्वेंसी को हम स्टोर कर लें इसमें, और फिर उसको स्टोर करने के बाद जो भी मान लो जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, तो जिस भी इंडेक्स पे मान लो हमें मैक्सिमम नंबर मिल गया पूरे इंडेक्स मतलब पूरे एरे में से, हमने क्या किया मैक्सिमम हमारे पास जो भी एलिमेंट आ रहा था ना हमने उसको आउटपुट कर लिया, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वही वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जैसे वो कैरेक्टर्स हो जाएंगे जो कि वाई कैरी कर सकता है अपने साथ एस्केप करने के लिए। तो इस केस में हमारे पास आंसर टू हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इसमें यही करना है कि हमें ना हर एक स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर हैं हमें उनकी फ्रीक्वेंसी को ना एक एरे में स्टोर करना है। और बेसिकली हम यहाँ एरे में क्यों कैसे स्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, वो लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे। तो लोअर केस से हमें ये पता चल गया कि उनकी जो वैल्यूज होंगी वो 20 मतलब 26 उनकी रेंज है ना, क्योंकि ए टू जेड ही हो सकते हैं वो, जैसे स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक ही हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी ना हर एक कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू निकालेंगे और उसे ना इंडेक्स की फॉर्म में यूज करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, और इस फ्रीक्वेंसी में से जो भी यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट निकल के आएगा हम उसको आउटपुट कर देंगे। तो बस हमें इतना छोटा सा काम करना था इस क्वेश्चन में। हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे बन सकता है। तो कोड करने के लिए हमारे पास यही छोटी सी अप्रोच है, इसी को लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने उसकी स्ट्रिंग की लेंथ की इनपुट ले लिया, फिर स्ट्रिंग को इनपुट लिया, फिर हमने क्या किया एक हमने एरे बनाया जिसका साइज हमने 30 ले लिया। इसका साइज हम 26 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली वो क्या करेगा, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है ना उनका फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे पूरी स्ट्रिंग में और ये देखेंगे हमारे पास स्ट्रिंग में जो जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है। मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर जो यहाँ पे है उसकी एस्काई वैल्यू निकाली, उसकी एस्काई वैल्यू जैसे मान लो फर्स्ट कैरेक्टर अगर ए होता तो ए माइनस ए करते तो जीरो आता, तो जो जीरोथ इंडेक्स पे था वो ए की फ्रीक्वेंसी होती। फिर ऐसे ही बी माइनस ए करते तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे आता वो हमारे बी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, और हर एक मतलब इंडेक्स पे जाके हम क्या कर रहे थे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को A1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जब हमारे पास ये जो काउंट है ये सारी के सारे कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर कर लेगा, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि हमें जो उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट बन रहा है ना हमें वो निकाल के दे दो बस। तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा वही हमारा क्या होगा इसमें, सिंपली वही आंसर होगा हमारा। तो हमें बस यही करना है इस क्वेश्चन में।